कामदारा प्रखंड में कुल 9 सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना से इस वर्ष करीब 55 एकड़ जमीन पर खेती लहला रही है। भविष्य में और अधिक खेती करने की तैयारियां चल रही है। सोलर लिफ्ट सिंचाई समिति के द्वारा सभी जगहों पर महिला किसानों के द्वारा खेती का काम प्रखंड में किया जा रहा है, जिसमें सोलर लिफ्ट सिंचाई समिति अरहरा, चटकपुर, रामतुल्या पाहन टोली, रामतुल्या महुआ टोली, पाकुट, रेरवा, पोरो टोली और बेतरकेरा, इन जगहों पर सोलर लिफ्ट सिंचाई सिस्टम लगा है, जिसमें बेतरकेरा व पोरो टोली में मशीन खराब होने के कारण खेती सही तरीके से खेती नहीं की जा रही है। बाकी सभी जगहों पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां लहला रही है व प्रखंड में करीब 130 महिला किसानों ने खेती के सहारे आय में बढ़ोतरी कर रही है। प्रति किसान एक सीजन की खेती में कमोबेश 30,000 रुपए की आमदनी कर लेती है। अब पहले किसान खेती के लिए डीजल पर आश्रित थे और अब सोलर पर आश्रित है। अरहरा में पपीता, केला, मिर्च, टमाटर, करेला, कद्दू तथा बड़े पैमाने पर तरबूज की खेती की गई है। इसी तरह रेड़वा, रामतुल्या समेत कई जगहों पर तरबूज, मटर, सरसों समेत कई प्रकार की सब्जियां की खेती लहला रही है। महिला किसानों के बीच खेती में महिला विकास मंडल व प्रदान संस्था के द्वारा सहयोग किया जा रहा है। बैंक ऑफ अमेरिका, स्नाइडा, सस्टेन प्लस सिडनी के द्वारा सभी सोलर लिफ्ट सिंचाई समिति को 5,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें समिति के द्वारा सामूहिक रूप से 1,60,000 रुपए लगाया गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।